दोस्तों आज किस खास वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। किसको सबसे ज्यादा बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिले हैं, कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड अभी तक मिला है। दोस्तों 1954 से फिल्म फेयर अवार्ड हो रहे हैं और 1954 से आज तक यानी 2021 तक किसको बेस्ट एक्टर अवार्ड मिले हैं, तो आज इस वीडियो में सारी ही चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं उन एक्टर्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं दिलीप कुमार जी की। तो आपको बता दूं कि दिलीप कुमार सर को पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था 1954 में दाग फिल्म के लिए। इसके बाद 1956 में यानी 1956 में आजाद फिल्म के लिए मिला था। इसके बाद उनको मिला था 1957 में देवदास फिल्म के लिए। 1957 के बाद नेक्स्ट ईयर फिर 1958 में नया दौर फिल्म के लिए इन्हें मिला था। 58 के बाद इनको 1961 में कोहिनूर मिल के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। इसके बाद 1965 में लीडर फिल्म के लिए दिया गया था। बाद में राम और श्याम फिल्म आई थी, वो आई थी 1967 में, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। आखिरी अवार्ड फिल्म शक्ति के लिए दिया गया था जो कि इन्हें 1983 में मिला था। टोटल इन्हें 8 बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भारत भूषण सर की। तो इनकी एक फिल्म आई थी श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि आई थी 1955 में। इन्हें सिर्फ एक फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं देवानंद सर की। तो देवानंद सर को काला पानी फिल्म आई थी 1955 में, इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद इनकी फिल्म आई थी गाइड, ये बहुत पॉपुलर हुई थी, ये आई थी फिल्म 1967 में। इन्हें 2 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। अब हम बात करते हैं राज कपूर साहब की। तो राज कपूर साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था अनाड़ी फिल्म के लिए जो 1960 में आई थी, ये भी फिल्म काफी पॉपुलर हुई थी। इसके बाद जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म के लिए इनको अवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड इनको मिला था 1962 में। अब बात करते हैं दोस्तों अशोक कुमार जी की। तो अशोक कुमार को 1963 में फिल्म आई थी राखी, इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इनकी 1970 में आशीर्वाद नाम की फिल्म आई थी, ये भी फिल्म काफी चली थी, इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद करते हैं सुनील दत्त सर की। सुनील दत्त सर को 1964 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, इस फिल्म का नाम था मुझे जीने दो। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी खानदान, इस खानदान फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जो कि 1966 में मिला था। अब हम बात करते हैं मनोज कुमार सर की। तो इनकी फिल्म आई थी बेईमान, इस फिल्म के लिए भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था जो कि 1973 में रिलीज हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं शम्मी कपूर की। तो शम्मी कपूर सर को ब्रह्मचारी फिल्म के लिए 1969 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं अमोल पालेकर साहब की। तो इनको गोलमाल फिल्म के लिए 1980 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं संजीव कुमार जी की। तो संजीव कुमार सर को अंधी फिल्म के लिए 1976 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिल्म की फिल्म आई थी अर्जुन पंडित जो कि रिलीज हुई थी 1977 में, तो इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों राजेश खन्ना साहब की। तो राजेश खन्ना जी को 1971 में आई फिल्म सच्चा झूठा, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद 1972 में फिल्म आई थी, इसका नाम था आनंद, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर 1975 में आविष्कार फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। टोटल राजेश खन्ना सर को बेस्ट एक्टर के 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे अमित सर की, अमिताभ बच्चन जी की। इनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फिल्म अमर अकबर एंथोनी के लिए जो कि 1978 में रिलीज की गई थी। इसके बाद फिल्म डॉन आई थी जो काफी पॉपुलर हुई थी,
जो कि 1979 में आई थी। इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। उसके बाद फिर इनको हम फिल्म के लिए 1992 में अवार्ड दिया गया था। हम फिल्म काफ़ी दमदार फिल्म थी दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी। इसके बाद इनको 2006 में अवार्ड मिला था फिल्म ब्लैक के लिए। ब्लैक भी काफ़ी अच्छी फिल्म थी। इसके बाद उनको आखिरी अवार्ड मिला है 2010 में। फिल्म का नाम है पा, आपने जरूर देखी होगी। इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। ऋषि कपूर जी की बात करें तो ऋषि कपूर जी को 1974 में बॉबी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नसरुद्दीन शाह की, तो इनको आक्रोश फिल्म के लिए 1981 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इनकी 1982 में फिल्म आई थी चक्र, है ना, इसके लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। 1984 में भी फिल्म आई थी इनकी, मासूम नाम था फिल्म का, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। चलिए अब हम बात करते हैं कमल हासन सर की, तो कमल हासन सर को 1986 में सागर फिल्म के लिए हिंदी फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर का मिला था। वैसे कमल हासन साहब को अपने साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर थे और साउथ इंडियन इंडस्ट्री में काफ़ी इन्हें देखा जाता था, लेकिन हिंदी फिल्म फेयर में पहला अवार्ड इनको 1986 में मिला था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अनुपम खैर सर की, तो अनुपम खैर सर को सारांश फिल्म के लिए 1985 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। चलिए बात कर लेते हैं हम नाना पाटेकर सर की, नाना की बात की जाए तो फिल्म क्रांतिवीर के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था 1995 में, और फिल्म के डायलॉग्स काफी पॉपुलर हुए थे, आपको याद भी होगा। इसके बाद अब बात करते हैं संजू बाबा की, तो संजय दत्त सर को सन 2000 में आई फिल्म वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं आमिर खान की। जी हाँ, आमिर खान को सबसे पहला अवार्ड 1997 में मिली थी फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए। इसके बाद इनको लगान फिल्म के लिए सन 2002 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद इनकी फिल्म दंगल आई थी 2017 में, इसके लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो आमिर खान को भी टोटल 3 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं किंग खान की, जिसका इंतजार आपको था, शाहरुख खान की। शाहरुख खान को 1994 में बाजीगर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी 1996 में, इस फिल्म के लिए भी उन्हें मिला था। इसके बाद आई थी दिल तो पागल है फिल्म, जो कि 1998 में आई थी, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद आई थी कुछ कुछ होता है फिल्म 1999 में, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। फिर 2003 में फिल्म आई थी देवदास, काफ़ी अच्छी फिल्म थी, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इनकी फिल्म आई थी 2005 में स्वदेश, इस फिल्म के लिए भी इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। फिर इनकी फिल्म आई थी 2008 में चक दे इंडिया, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद 2011 में माय नेम इज खान के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। शाहरुख खान के पास भी टोटल 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स हैं। दिलीप कुमार जी जैसे, दिलीप कुमार और शाहरुख खान, दिलीप कुमार जी को भी 8 मिल चुके हैं और शाहरुख खान को भी 8 मिल चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनिल कपूर सर की, तो इनको तेजाब फिल्म के लिए 1989 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद इनकी बेटा फिल्म आई थी, याद है बेटा फिल्म, देखा होगा आपने, 1993 में आई थी, इस फिल्म के लिए भी इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद हम जैकी श्रॉफ की बात करें तो जैकी श्रॉफ को परिंदा फिल्म के लिए, जो कि 1990 में आई थी, इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। चलिए अब पाजी के बारे में बात करते हैं, सनी देओल के बारे में, तो सनी देओल सर को 1991 में घायल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इन्हें एक ही बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसके बाद हम बात करते हैं ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन को कहो ना प्यार है के लिए 2001 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फिर इसके बाद 2004 में कोई मिल गया फिल्म के लिए भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। फिर इनकी फिल्म आई थी 2007 में धूम 2, इस फिल्म के लिए भी इन्हें अवार्ड दिया गया था। इसके बाद आखिरी फिल्म जो आई थी जोधा अकबर, जो आई थी 2009 में,
इस फिल्म के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। तो ऋतिक रोशन के पास 4 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इरफान खान सर की, जो कि मेरे फेवरेट हैं। तो इनकी फिल्म आई थी हिंदी मीडियम। इस फिल्म के लिए 2018 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हें दिया गया था। फिर अंग्रेजी मीडियम फिल्म के लिए 2021 में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रणबीर कपूर की। तो रणबीर कपूर को 2012 में आई फिल्म रॉकस्टार के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर इनकी फिल्म आई थी बर्फी। इस फिल्म के लिए भी इनको 2013 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी संजू। इस फिल्म के लिए भी इनको 2019 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। रणबीर कपूर के पास बेस्ट एक्टर के टोटल 3 फिल्म फेयर अवार्ड हैं। चलिए अब बात करते हैं फरहान अख्तर की। तो फरहान अख्तर को भाग मिल्खा भाग फिल्म के लिए 2014 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शाहिद कपूर की। तो शाहिद कपूर को 2015 में हैदर फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह को बाजीराव मस्तानी के लिए 2016 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। फिर 2020 में इनको गली बॉय फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों, ये थे वो सारे एक्टर जिनको फिल्म फेयर अवार्ड अभी तक मिल चुके हैं। इनमें से सबसे फेवरेट एक्टर आपके कौन से हैं, कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।